Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students, बेटा आज हम लोग chapter number 16 ecology के next topic के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे previous part का ही हिस्सा था. Topic है बेटा flow of material. हमने topic ये पढ़ा था flow of energy and flow of material, जिसका पहला part हमने discuss कर लिया था. आपको flow of energy में बेटा ये बताया गया कि किसी भी ecosystem के अंदर जो energy का flow होता है, हमेशा वो एक ट्रॉफिक लेवल से शुरू होता है और दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करता है, और ये जो मूवमेंट है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होती है. आज हम पढ़ेंगे कि एक इकोसिस्टम में मटेरियल्स की मूवमेंट किस तरह से होती है, वो कहां से कहां पर मूव करते हैं. पहले बेटा आप ये बात याद रखें कि मटेरियल्स का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के मैसेस के बारे में, कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, उनकी बात की जा रही है कि वो कैसे एक इंडिविजुअल से दूसरे की बॉडी में चले जाते हैं. इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन की बॉडी के ऊपर प्रोटीन है तो वो किस तरह से सेपरेट होकर एक नेक्स्ट इंडिविजुअल की बॉडी का हिस्सा बन जाएगी. तो इसी टॉपिक को आज हमने बेटा डिस्कस करना है. हमारा पहला पॉइंट होगा बेटा कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो फ्लो ऑफ मटेरियल्स है, यानी कि मटेरियल्स की जो मूवमेंट है, जो ट्रॉफिक लेवल्स के दरमियान होती है, बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स, वो हमेशा फूड चेन्स और फूड वेब की मदद से ही अकॉम्प्लिश होती है. दो पॉइंट्स है बेटा, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो मटेरियल्स है उनकी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फूड चेन्स और फूड वेब की मदद से बेटा कंप्लीट होती है. So, हमारा पहला पॉइंट यहां पर कंप्लीट हुआ कि विद द हेल्प ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब मटेरियल्स आर मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू एन अदर ट्रॉफिक लेवल. क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो फूड चेन्स हैं ये क्या है और हमारे इकोसिस्टम में कहां पर पाई जाती हैं. सेकंड क्वेश्चन, फूड वेब क्या है और हमारे इकोसिस्टम में कहां पर पाई जाती हैं. क्या हमें ये नजर आती है कि जी ये जा रही है फूड चेन, ये जा रहा है जी फूड वेब, क्या हमें ये बात इस तरह से नजर आती है. तो आंसर है बेटा ऐसा नहीं है. ऑर्गेनिज्म्स के दरमियान जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं, हमें वो खुद अंडरस्टैंड करना पड़ती है, वो हमें नजर नहीं आती. हमें ये पता होता है कि प्लांट्स को किसी गॉट ने खाना है. अब उनके दरमियान कोई चेन नहीं बना हुआ कि सिर्फ गॉट ने ही आगे प्लांट्स को खाना है, ग्रास हॉपर भी प्लांट्स को खा सकते हैं, तो कोई चेन नहीं बनी, लेकिन हम उसे खुद एज्यूम करते हैं. तो फूड चेन और फूड वेब, ये दो हमारे इकोसिस्टम्स के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट फैक्टर्स के दरमियान ऐसे इंटरेक्शंस को कहा जाता है जो इंडिविजुअल्स के अंदर मटेरियल्स की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सो पहले हम शुरू करेंगे बेटा फूड चेन के. फूड चेन क्या होती है बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी यहां पर एक फूड चेन बना के दिखा रहा हूं. सबसे पहले आते हैं बेटा प्रोड्यूसर्स, वो इंडिविजुअल जिन्होंने फूड बनानी है. तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी प्लांट है यहां पर, सो प्लांट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोड्यूसर. फिर इस प्लांट के ऊपर फीड करता है बिलफर्ज, मैं कहता हूं कोई ना कोई ग्रास हॉपर है या कोई भी और इंडिविजुअल है. सो ग्रास हॉपर यहां पर सेकेंड पॉइंट. अब ये जो ग्रास हॉपर प्लांट पे फीड कर रहा है, कहने को ये हर्बीवर है, लेकिन चूंकि मैं कंज्यूमर्स के रेफरेंस से बात करना चाह रहा हूं तो मैं कहूंगा कि दिस इज अ प्राइमरी कंज्यूमर. ये जो ग्रास हॉपर है ये एक प्राइमरी कंज्यूमर है बेटा. अब इस ग्रास हॉपर को कोई स्पैरो किल कर देता है या स्पैरो इस ग्रास हॉपर को खा जाता है, स्पैरो, तो इस केस के अंदर जो स्पैरो है बेटा ये एक सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है. और इस स्पैरो को अगर कोई हॉक किल कर देता है, कोई चील है वो इसे आके बेटा किल कर देती है, तो इस केस में ये जो हॉक होगा ये एक टर्शरी कंज्यूमर होगा. तो चेन यू बनी कि प्लांट से मटेरियल्स की मूवमेंट ग्रास हॉपर्स के अंदर हुई, ग्रास हॉपर से वो स्पैरोस के अंदर जंप किए और स्पैरोस से वो गए हॉक के अंदर. अब ये जो सीरीज ऑफ चेन बनी है बेटा, इस सीरीज ऑफ चेन को ही एक्चुअली में फूड चेन के नाम से जाना जाता है. तो एक्चुअली में डेफिनेशन इसकी यू बनेगी, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म
in which each organism feed the individual before one and fed by the organism after one. कि एक ऐसी फूड चेन या फूड चेन हम एक ऐसी चेन को कहते हैं जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने से पहले वाला जो भी होगा उसे खा जाएगा और अपने से आगे वाले की खुराक बन जाएगा, यानी कि आगे वाला उसे ही खा जाएगा. आप इस फूड चेन का कोई भी मेंबर पिक कर लें. मैं यहां पर स्पैरो को पिक करता हूं. स्पैरो जो है अपने से पहले वाले जो उससे पहले आ रहा है ग्रास ऑपर उसे किल कर रहा है और इसी के मुताबिक जो इससे आगे वाला है स्पैरो उसकी खुराक बन रहा है. सो हॉक इज किलिंग द स्पैरो. तो ये एक फूड चेन है. फूड चेन का मकसद ये होता है कि ये बताया जाए कि मटेरियल किस सीक्वेंस के अंदर मूव कर रहे हैं. आप यहां पर अगर 5 या 7 ऑर्गेनिज्म अपनी मर्जी के लिख देते हैं, उनके दरमियान अगर लाइनें आप ड्रॉ कर देते हैं, तो आप बेटा कभी ये नहीं कह सकते कि ये एक फूड चेन है. फूड चेन होने के लिए ये कंडीशन लाजमी है कि वो अपने से पहले वाले को खाए और अपने से बाद वाले की खुराक बने बेटा. तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट अबाउट द फूड चेन. अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन ये बेटे आप लोगों को पूछा जाए तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने लिखना क्या, आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है और साथ ही आपने एक इस तरह की फूड चेन ड्रॉ करके दिखानी है. अच्छा बेटा, प्रॉब्लम ये है कि एनवायरमेंट के अंदर कभी भी अलग अलग फूड चेन्स नहीं पाई जाती. अगर तो ग्रास हॉपर प्लांट्स को फीड करता है तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्लांट्स को कोई और इंडिविजुअल फीड नहीं कर सकता. अगर ग्रास हॉपर्स को स्पैरो जो है वो खाता है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ग्रास हॉपर्स को स्पैरो के अलावा कोई खा ही नहीं सकता. अगर स्पैरो को हॉक खाता है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि स्पैरो को हॉक के अलावा कोई खा नहीं सकता. चेन्स बहुत सारी हो सकती हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी हो सकती हैं. यहां पर मैंने एक सिंपल सा आपको मैशवर्क बना के दिखाया है, आपको एक मैंने नेटवर्क बना के दिखाया है जिसमें मैंने कई फूड चेन्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया. अब वो फूड चेन कौन सी बन रही है? इस केस में जो ग्रासेस हैं ये तो हैं प्रोड्यूसर, ये तो सबसे पहले ही हैं. ये आगे जी हमारे पास प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर है. अब यहां पर इस केस में अगर मैं पहली चेन की बात करूं, ग्रास हॉपर प्लांट्स पे या प्रोड्यूसर पे फीड कर रहा है, ये होगा जी कंज्यूमर नंबर 1, इसे मैं C1 का नाम दे देता हूं. फिर लिजर्ड जो है इस ग्रास हॉपर पे फीड कर दिया तो मैं कहता हूं कि ये है जी कंज्यूमर नंबर 2, C2 मैंने नाम दे दिया. और हॉग जो है वो इस लिजर्ड पे फीड कर रहा है तो मैं उसे नाम देता हूं जी C3 का. अब C1 C2 एंड C3 और ये ग्रास हॉपर कलेक्टिवली, ये पी से शुरू हुआ और C3 पर खत्म हुआ, ये एक फूड चेन है बेटा. इसी के साथ अब मैं दूसरी चेन अटैच कर रहा हूं. ग्रासेस सेम है, उस ग्रासेस को ग्रास हॉपर की बजाय रैबिट ने खाया है तो इस केस में जो रैबिट है ये होगा C1 कंज्यूमर नंबर 1. और इस रैबिट को डायरेक्टली अगर हॉग खा लेता है तो सेकेंड चेन के अंदर यही जो पहले C2 था अब ये C3 था, अब ये C2 है बेटा. तो ये एक नई फूड चेन है. इसी की थर्ड चेन की बात करते हैं. ग्रासेस को अगर माउस खा रहा है, माउस है यहां पर C1 यानी कि कंज्यूमर नंबर 1 और उसे डायरेक्टली अगर हॉग खा लेता है तो यहां पर भी हॉग जो है वो एज अ कंज्यूमर 2 ही बिहेव करेगा. तो कुल मिलाकर अब तक मैंने आपको 3 चेन्स बता दिए जहां पर कहीं ना कहीं वो आपस में मिले हुए हैं. कैसे? उनका इस चेन में प्रोड्यूसर सेम है, इस केस में उनका जो लास्ट मेंबर है वो भी सेम है, बाकी दरमियान में डिफरेंट हो रहे हैं. आखिरी चेन की बात करूं तो ग्रासेस सेम है, माउसेस जो है वो C1 या कंज्यूमर 1 है. अगर इस माउस को कोई स्नेक फीड कर लेता है तो यहां पर स्नेक C2 हो जाएगा कंज्यूमर 2. और लास्ट पे अगर इस स्नेक को कोई हॉग पे हॉग किल करता है तो फिर से अगेन जो हॉग है वो कंज्यूमर 3 बन जाएगा बेटा, जो इस बात की इंडिकेशन है कि ये कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा मेंबर किसे किल करता है और किसे खा लेता है और वो किस से चेन के अंदर किस पार्ट में आ जाता है. लेकिन आप ये बात याद रखें कि एनवायरमेंट में ऐसी बहुत सारी चेन्स हैं. चेन्स आपको नजर नहीं आती लेकिन जब एक एनिमल दूसरे को किल करके खाता है तो हमें वो नजर आ जाता है कि जी ये एक नई चेन बन रही है, ये एक नया पार्ट बन रहा है. मैं एक और चेन यहां पर बना सकता हूं कि ग्रासेस हैं,
तो ग्रासेस को अगर कोई स्नेल खा रहा है, स्नेल को अगर कोई स्पैरो खा रहा है, स्पैरो को अगर कोई हॉक खा रहा है, तो ये एक नई चेन बन गई और वो भी इसी में फिट हो जाएगी बेटा। तो ये सारे चेन्स आपस में इकट्ठे हैं, बहुत सारी चेन्स का, बहुत सारी फूड चेन्स का ये जो नेटवर्क है। मैं इसे अगर कहूं कि नेटवर्क्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन का एक नेटवर्क जो किसी इकोसिस्टम के अंदर पाया जाता है, इसे फूड वेब कहा जाता है बेटा। फूड चेन सिंगल सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। जब बहुत सारी फूड चेन के नेटवर्क्स आपस में मिलते हैं, तो फूड चेन के नेटवर्क से मिलकर बनने वाला जो नया इंडिविजुअल यूनिट बनता है बेटा, उसे फूड वेब कहा जाता है। सो फूड वेब है आपके सामने यहां पर। नेटवर्क्स जो बनते हैं फूड चेन्स की एसोसिएशन से ही बनते हैं। तो बेटा यही हमारा पॉइंट था कि एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में, या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, या एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स के अंदर जो मटेरियल्स की मूवमेंट है, हमेशा फूड चेन या फूड वेब ही करवाता है, जिसकी दोनों की डिस्क्रिप्शन मैंने आपके सामने लिख दी है बेटा। तो ये था हमारा पॉइंट। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा, हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पायरामिड। इसका जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। साइंटिस्ट ने बेटा ये बात ऑब्जर्व की कि हम जब भी एक फूड चेन की बात करते हैं, अगर मैं उस फूड चेन के मेंबर्स की बात करूं, तो यह बात हमेशा देखी गई कि फूड चेन की जो बुनियाद होती है, जो बेस होती है, किसी भी फूड चेन की बुनियाद ग्रासेस होती है बेटा, और ग्रासेस हमेशा ज्यादा पाई जाती हैं। तो अगर मैं ये बात यूं करूं कि किसी भी इकोसिस्टम में जिस जगह पर बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं, बेसिकली 3, 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल मिनिमम होते हैं, तो उस जगह पर ग्रासेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, प्रोड्यूसर ज्यादा पाए जाते हैं। और जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में ऑनवर्ड आगे की तरफ मूव करते हैं, तो उनकी जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो बात ये हुई कि प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कम होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर ज्यादा होंगे, और उससे ऑनवर्ड जितने भी मेंबर्स आएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। इस चीज को सबसे पहले बेटा 1927 में एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्टन ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा, द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फूड चेन आर एन अबंडेंट अमाउंट। कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी फूड चेन की बेस के ऊपर होते हैं, उनकी जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है और वो ज्यादा पाए जाते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर्स आर इन अबंडेंट, वो ज्यादा पाए जाते हैं। सो वो इंडिविजुअल जो किसी भी फूड चेन की बेस पे होंगे वो ज्यादा पाए जाएंगे। जब ये बात चार्ल्स एल्टन ने ऑब्जर्व की, तो उन्होंने ये कहा कि चले क्यों ना इनको रिप्रेजेंट किया जाए, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज द इकोलॉजिकल पायरामिड। सो इकोलॉजिकल पायरामिड में हम किसी भी जगह पर इंडिविजुअल्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रेजेंटेशन आप क्या करना चाहते हैं। 3 चीजों की बेटा रिप्रेजेंटेशन की जा सकती हैं। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? आप किसी भी जगह पर इंडिविजुअल्स के नंबर, उनकी अमाउंट को ग्राफ के ऊपर ड्रा करके दिखा सकते हैं कि ये ग्राफ है, ये टेबल है, ये चार्ट है, ये पिक्चर है, इसमें मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल इस इकोसिस्टम के शो कर रहा हूं। दूसरा है कि आप उस जगह पर पाए जाने वाले बायोमास की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फिर आप उस जगह पर पाए जाने वाली एनर्जी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जब आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ बायोमास और एनर्जी की, तो हम इसे कलेक्टिवली तौर पे इकोलॉजिकल पायरामिड कहते हैं। अब दोबारा डेफिनेशन पूरी कंप्लीट कर रहा हूं, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अमाउंट ऑफ बायोमास एंड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इन अपर यूनिट एरिया ऑफ एन एनवायरमेंट इज नोन एज द इकोलॉजिकल पायरामिड। उसी को इकोलॉजिकल पायरामिड का नाम दिया जाता है बेटा। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ बेटा कि इकोलॉजिकल पायरामिड जो होते हैं, इनमें नंबर्स को आप रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? क्या वो ग्राफ होगा, चाहे वो टेबल होगा, क्योंकि हर एक में डिफरेंट मोड हो सकता है।
हर एक में अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, तो उनकी टाइप्स यहां पर बेटे दो एक्सप्लेन मैंने आप लोगों के सामने की है। सबसे पहली टाइप है पायरामिड ऑफ नंबर, सेकंड टाइप है पायरामिड ऑफ बायोमास, और थर्ड है पायरामिड ऑफ एनर्जी, जो आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक पॉइंट बता दूंगा। पायरामिड ऑफ नंबर ये कहता है कि किसी भी इकोसिस्टम की जो बुनियाद है, किसी भी फूड चेन का जो बेस है, उसकी अमाउंट ज्यादा पाई जाती है। सो यहां पर अगर मैंने आपको एक डायग्राम शो की है और इस डायग्राम के मुताबिक अगर ये जो क्लोवर लीव्स ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो इन प्रोड्यूसर्स की अमाउंट सबसे ज्यादा होगी। आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूं कि जी क्लोवर लीव्स यहां पर है जी 1000, एक एरिया है टाउनशिप का एरिया लगा ले, वहां पर क्लोवर लीव्स हैं जी वो 1000, और ये ऐसे ही होगा। अमाउंट के नंबर्स का फर्क हो सकता है लेकिन क्लोवर लीव जहां पर भी होंगे किसी इकोसिस्टम में वो ज्यादा ही होंगे, कम नहीं हो सकते। स्नेल है, स्नेल इन क्लोवर लीव्स के ऊपर बेटा फीड करते हैं, इन क्लोवर लीव्स को वो खाते हैं, तो इस केस में ये एक प्राइमरी कंज्यूमर है और प्राइमरी कंज्यूमर की अमाउंट प्रोड्यूसर से कम होती है बेटा। तो यहां पर इनकी अमाउंट मुमकिन है कि बेटा 800 हो, लेकिन कभी भी प्रोड्यूसर से ज्यादा नहीं हो सकती, ये रूल है बेटा। नेक्स्ट है स्पैरो स्नेल्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, इस तरह से जितने भी स्पैरो होंगे उन्हें जैसे ही स्नेल दिखेगा वो फौरन उसे पकड़ के खा जाएंगे। इस केस में स्पैरो जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स की जो अमाउंट है वो प्राइमरी कंज्यूमर से कम होती है। सो इस केस के अंदर ये ऑलमोस्ट हो सकते हैं बेटा 500 या उससे भी कम, लेकिन स्पैरोस की अमाउंट प्राइमरी कंज्यूमर या स्नेल से कम ही होगी, दैट्स अ नेचुरल रूल। लास्ट पॉइंट आ गया बेटा हार्प जो है, ये है टर्शरी कंज्यूमर, जिन्हें हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी कार्निवर्स हैं। अब यहां पर हॉक जो है इनकी अमाउंट बहुत कम होगी क्योंकि ये जो है टर्शरी कंज्यूमर है। एक और चीज बेटा याद रखें, जैसे जैसे आप बेस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जैसे ही आप प्रोड्यूसर से ऑनवर्ड ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो जो साइज होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है। नंबर तो रिड्यूस हो ही रहे हैं, साथ साथ साइज भी कम होता चला जा रहा है। यहां पर क्लोवर जो लीव्स हैं उनका साइज है छोटा, आप स्नेल्स पे जाते हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, स्पैरोस की तरफ जाएंगे उनका साइज उससे बड़ा है, और हॉक की तरफ जाएंगे तो उनका साइज उससे बड़ा है। ये ऑपोजिट वे में मूव करते हैं। अगर नंबर यहां से यहां पर ऊपर की तरफ रिड्यूस हो रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, ये उनके ऑपोजिट है बेटा, तो आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सेकेंड है बेटा पायरामिड ऑफ नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोमास ऑफ एन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया, किसी भी एरिया के अंदर पर यूनिट एरिया में जो बायोमास है उसकी रिप्रेजेंटेशन करना। क्वेश्चन आता है जी बायोमास क्या है, बायोमास कहें या किसी भी जगह का ऑर्गेनिक मटेरियल कहें, ऑर्गेनिक पार्ट कहें, उसी को बेटा बायोमास कहते हैं। बायोमास इज एक्चुअली द ऑर्गेनिक मटेरियल इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम या एक क्लोज सिस्टम के अंदर जितने भी एनिमल, जितने भी प्लांट या वो इंडिविजुअल जो ग्रो कर सकते हैं बेटा, उसे उस जगह का बायोमास कहते हैं। अगर मैं अकेडमी के बायोमास की बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि यहां जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, वो सारे के सारे उस जगह का बायोमास है। पायरामिड ऑफ बायोमास ये बताता है कि हमेशा जो बेस होती है, जो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, उनकी जो बायोमास है वो ज्यादा होता है। बायोमास क्यों ज्यादा है, क्योंकि उनका नंबर ज्यादा है। यहां पर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, सॉरी जो प्रोड्यूसर्स होंगे बेटा, प्रोड्यूसर्स, इनका नंबर ज्यादा होगा जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि इनका बायोमास भी ज्यादा है। इसमें ऑब्वियस प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इनका नंबर प्रोड्यूसर्स की निस्बत जो है वो कम है, लेकिन इनका जो बायोमास है बेटा वो इसी के रेफरेंस से कम होता जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, और लास्ट पे आ गया बेटा जी टर्शरी कंज्यूमर। जैसे जैसे आप अबव साइड पे मूव करेंगे, प्रोड्यूसर्स का सबसे ज्यादा बायोमास, प्राइमरी कंज्यूमर्स का उनसे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का उनसे कम, और टर्शरी कंज्यूमर का सबसे कम बायोमास होता है, और उसी के ऑपोजिट इनका साइज सबसे छोटा,
प्राइमरी कंज्यूमर्स का प्रोड्यूसर से बड़ा, सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर्स के साइज बड़े और टर्शियरी कंज्यूमर का साइज सेकेंडरी कंज्यूमर से ज्यादा बड़ा होता है बेटा। एक आखिरी पॉइंट, इनर्जी का डिफरेंस भी होता है बेटा। किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी फूड चेन में या किसी भी इकोसिस्टम एरिया के अंदर जितना ज्यादा बड़ा ट्रॉफिक लेवल होता है बेटा, अगर ट्रॉफिक लेवल में टोटल चार मेंबर हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर, तो जो लास्ट वाला मेंबर है उसे फूड ज्यादा मिलेगी, उसे एनर्जी ज्यादा मिलेगी। लेकिन यहीं पर अगर टोटल 10 मेंबर है फूड चेन में, तो जैसे जैसे वो हर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी मूव करती रहेगी तो आखिरी वाले के पास एनर्जी कम जाएगी, और यही बात पायरामिड ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन कर रहा है जो आपकी बुक में बेटा नहीं लिखा गया। तो वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज के टॉपिक में बेटा जो हमने बात की है फ्लो ऑफ मटेरियल्स, और सेकंड टॉपिक इकोलॉजिकल पायरामिड्स की बात की है। होपफुली बेटे आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। हम इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड अपने बायोजियो केमिकल साइकिल्स पे बात करेंगे, जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।